हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज संदीप संदीप कुमार फ्रॉम शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा. वेलकम बैक यू ऑल इन द इकोनॉमिक्स क्लास. एज इन द लास्ट वीडियो वी हैव कंप्लीटेड द पार्ट वन ऑफ द यूनिट प्रोडक्शन एंड कॉस्ट. दैट वॉज ओनली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हैव बीन डिस्कस देयर. सो दिस इज द पार्ट नंबर टू इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पार्ट कॉस्ट. ओके, सो दिस इज द सेकेंड पार्ट और इसमें हम ओनली कॉस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे कि प्रोडक्शन के ड्यूरेशन में कॉस्ट का क्या रोल होता है. और वैसे देखा जाए बेटा तो ये जो वर्ड है कॉस्ट, ये सुनने में बहुत छोटा सा लगता है और लगता है कि इसके अलावा और कुछ इसके टाइप्स होंगे नहीं. ऑलराइट, बट जब हम इस कॉस्ट को इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं तो बेटा इसके अलग अलग बहुत सारे टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम ड्यूरेशन, अकॉर्डिंग टू द पर्सन टू पर्सन, ये कहीं ना कहीं पे वेरी करता है. तो चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे. सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्या होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन वेरियस इनपुट्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. इन वेरी सिंपल लैंग्वेज इट हैज बीन टोल्ड दैट कि कॉस्ट एक वो एक्सपेंडिचर होता है जो कि किसी गुड्स के प्रोडक्शन पे इनकर होता है. और वी कैन से कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स तक कन्वर्ट करने के जो पूरे प्रोसेस में हमारा जो भी मॉनेटरी एक्सपेंडिचर होता है, उस एक्सपेंडिचर को हम क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. सेकेंड वी हैव दिस कॉस्ट फंक्शन. कॉस्ट फंक्शन क्या है? सो दिस इज अ फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट. जैसे बेटा हमने प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था, उसी तरह से कॉस्ट फंक्शन भी होता है जो कि एक फंक्शनल रिलेशनशिप है बिटवीन द कॉस्ट एंड द आउटपुट. और यहां आप देख रहे हैं दिस इज सी इज इक्वल्स टू एफ क्यू, एफ मल्टीप्लाई बाई क्यू. ओके, वे योर एफ इज इक्वल्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप. ऑल राइट, द सी इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ओके, एंड दिस क्यू, दिस स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट कि हमने कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है एक सर्टेन कॉस्ट को स्पेंड करने के बाद में. वी हैव दिस मनी कॉस्ट. बेसिकली वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट. सो फर्स्ट वी हैव दिस मनी कॉस्ट, मनी एक्सपेंसिस इनकर्ड बाय अ फर्म फॉर प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी और सर्विस. व्हाट हैपेंस चिल्ड्रन? देखिए बेटा, कुछ इस तरह की कॉस्ट होती है जो कि मॉनेटरी टर्म्स में अपीयर नहीं होती है, या स्पेंड तो होती है लेकिन मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होती. वो कैसे? अभी आगे एनुअलिस्ट स्लाइड्स में मैं आपको वो चीज़ एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली दिस मनी कॉस्ट. And this money cost stands for the expenses incurred by any of the producing firm or any of the industry. And particularly that cost can be measured in terms of money is termed as money cost. Second is explicit cost. Actual payment made on hired factors of production. For example, wages paid to the hired laborers, rent paid for, hired accommodation, cost of raw material, etc. Now see children, what is the meaning of explicit cost? जब भी हम प्रोडक्शन में किसी तरह का कोई एक्सपेंडिचर करते हैं, कोई भी किसी तरह का एक्सपेंडिचर हो सकता है, और वो एक्सपेंडिचर कोई भी एक फर्म आउटसाइड किसी को पे कर रही है, दैट कैन बी फॉर द हायरिंग ऑफ एनी ऑफ द सर्विसेज और परचेज ऑफ एनी ऑफ द प्रोडक्ट सच एज रॉ मटीरियल, पेमेंट और वेजेस गिवन टू द लेबर. ओके, सो दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर और दिस टाइप ऑफ मॉनिटरी कॉस्ट इज नोन एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जो कि आउटसाइड किसी को पे की जा रही है. ठीक है चिल्ड्रन, यू कैन इवन रेफर पेज नंबर 42 ऑफ एनसीईआरटी बुक. ओके, यहाँ आप देख रहे हैं बेटा, यहाँ पे आपका 3.7.6 कॉस्ट वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है और यहीं से हम लोग इन चीज़ों को रेफर करें जो कि मैं आपको टाइप्स ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ. ठीक है बेटा, नेक्स्ट इट कम्स इम्प्लिसिट कॉस्ट. अब बेटा देखिए, एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट. आप जो प्रीवियस पेपर से उठा के देखेंगे तो वहाँ आपको बेसिकली 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा ये डिफरेंस से रिलेटेड, मे बी 3 और 4 मार्क्स मैक्स टू मैक्स. ठीक है, कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है. सो दैट ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट एक्सप्लिसिट कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट जो कि आउटसाइड किसी को पे किया जाता है. बट व्हाट अबाउट इम्प्लिसिट कॉस्ट? So see here, cost incurred on the self-owned factors of production. For example, interest on owner's capital, rent of own building, salary of the services of entrepreneur, etc. देखिए बेटा, एक तो हुआ कि अगर किसी भी पर्सन ने अपनी फर्म को स्टार्ट किया, इंडस्ट्री को स्टार्ट किया, राइट, उसके लिए उसे कोई ना कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग या प्लेस चाहिए. सो ही हायर द सेम बिल्डिंग फ्रॉम समवन, किसी से हायर किया, एंड नाउ ही इज पेइंग द रेंट टू दैट पर्टिकुलर ओनर, उस ओनर को रेंट पे कर रहा है.
तो ये क्या हुआ, एक्सपेंडिचर आउटसाइड द फर्म, किसी और को पे किया जा रहा है, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। लेकिन मान लीजिए कि बिल्डिंग खुद ही की है, ठीक है, अपनी खुद की ही बिल्डिंग है और फर्म भी वहीं पे चल रही है, सो डू यू थिंक कि खुद को ही कोई इंटरेस्ट या इस तरह से अपना कोई लाइक रेंट पे करेगा? नो वे। तो ये एक तरह से अपीयर होता है लेकिन इसको पे नहीं किया जाता, ठीक है। सो दिस इज टर्म्ड एज इम्प्लिसिट कॉस्ट। नेक्स्ट वी हैव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो बेटा आप देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बोर्ड एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में क्यों कह रहा हूँ बेटा, क्योंकि अर्लियर द माइक्रो इकोनॉमिक्स वॉज अ पार्ट ऑफ क्लास 12, ठीक है। और आप देखेंगे कि रैपिडली वहाँ पे कुछ 3-4 सालों तक लगातार 1 mark में क्वेश्चन आता था दैट वॉट इज मिंट बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसलिए हमें पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दैट इज ओके बोर्ड क्लास 11th नहीं है, बट स्टिल हमारा ये इंपॉर्टेंट पार्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन और सेक्रीफाइसेस। देखिए बेटा क्या होता है, जब भी किसी पर्सन के पास कंजप्शन के लिए एनी ऑफ द गुड्स और सर्विसेज के लिए कुछ दो तरह के ऑप्शंस होते हैं, सो व्हाट ही डज, वो क्या करेगा, ऑब्वियसली वो हमेशा बेटर को चूज करेगा, ठीक है। तो जब भी एक किसी फैक्टर या किसी एक प्रोडक्ट को सेक्रीफाइस करके किसी दूसरे बेटर ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना ही क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एज हियर यू कैन सी 1 hour ऑफ स्टडिंग, या तो 1 घंटा पढ़ाई की जाए या फिर 2 TV एपिसोड्स। नाउ इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, मे बी समबडी इज गोइंग टू ऑप्ट दिस वन ऑप्शन एंड समवन इज गोइंग टू ऑप्ट दिस ऑप्शन। अगर इस ऑप्शन को ऑप्ट किया जाएगा तो इसका सेक्रीफाइस होगा, ठीक है, और अगर इसे ऑप्ट किया जाएगा तो फिर इसका सेक्रीफाइस हो जाएगा, ठीक है बेटा। सो दिस इज टर्म्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फर्दर दिस वी हैव फिक्स्ड कॉस्ट। और फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है बेटा, देखिए नाम से पता चल रहा है बेटा फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसी कॉस्ट जो कि फिक्स्ड फैक्टर्स पे इनकर्ड की जाती है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वाले वीडियो में भी दिखाया था, पार्ट वन में भी, दैट वाज व्हाट, कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन में जो कि फिक्स्ड होते हैं और कुछ होते हैं वेरिएबल। सो ऑब्वियसली जो फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उन पे इनकर्ड होने वाली जो कॉस्ट है उस कॉस्ट को हम कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, विच रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोडक्शन, whether the production increases, decreases, or if production is nil, अगर production नहीं भी होता तब भी fixed cost incurred होती ही है, ठीक है बेटा। So these are the costs which are incurred on the fixed factors of production that I have told. These costs remain fixed, whatever may be the scale of output. Whatever the scale that means, may be the output increases, decreases, or maybe it is zero. These costs are present even when output is zero. Again, the repetition is here, what I have told already. These costs are present in short run but disappears in the long run. Remember beta, मैंने production वाले part में आपको बताया था कि long run जो duration होता है या फिर long period के अंदर only variable factors work करते हैं, fixed factors वहाँ पे appear नहीं होते हैं, all right? Here children, you can see there is a schedule or tableau presentation of TFC and this is the graphical presentation. इससे एक बार देखते हैं बेटा, जो मैंने भी आपको rules and regulations बताए हैं related to TFC, that is total fixed cost. Total fixed cost means to say जितने भी fixed factors हैं, total fixed factors पे incurred होने वाली जो cost है वो होती है total fixed cost, जो कि production के हर stage पे, that you can see it is constant. Never it increases, never decreases, or the absence of TFC is not there at the duration of production or anything, okay? So you can see output is 1, TFC is 20. If output is 4, TFC is 20. It remains the same, all right? That is why the graphical presentation of TFC is also only parallel to OX axis. The one thing we need to keep in mind, if TFC is never zero, so it cannot be started from the origin. Origin se kabhi start nahi hogi beta ye. TFC का जो ग्राफ होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, ऑलवेज अबव द ओरिजिन ऑन OY एक्सिस, OY एक्सिस पे हमेशा ओरिजिन से ऊपर होगा, कोई ना कोई वैल्यू तो है इसकी, एंड इट विल बी ऑलवेज पैरेलल टू OX एक्सिस, ठीक है। इसके ग्राफ में बेटा कभी कोई चेंजेस नहीं होते हैं। द नेक्स्ट वन इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एंड इन शॉर्ट दिस इज नोन एज TVC, or we can say variable cost as well. So what is meant by total variable cost? As in the last video we discussed about
सम ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स, कि कुछ ऐसे फैक्टर जो कि प्रोडक्शन के साथ साथ वेरी करते हैं. व्हेन द प्रोडक्शन इंक्रीजेस द लेवल ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स ऑल्सो इंक्रीजेस, व्हेन द प्रोडक्शन डिक्रीजेस द लेवल ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स ऑल्सो डिक्रीजेस, एंड व्हेन द प्रोडक्शन इज जीरो एट द टाइम वेरिएबल फैक्टर्स आर ऑल्सो जीरो. तो इनका बेटा मूवमेंट होता रहता है, इनका प्रोडक्शन के साथ साथ फ्लक्चुएशन होता है. दैट यू कैन सी टीवीसी आर दोज कॉस्ट्स विच वेरी डायरेक्टली विद द वेरिएशन इन द आउटपुट. आउटपुट में जैसा वेरिएशन होगा वैसे ही वेरिएबल फैक्टर्स के अंदर और वेरिएबल कॉस्ट के अंदर भी वेरिएशन होता है. दीज कॉस्ट्स आर इनकर्ड ऑन द वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वेरिएबल फैक्टर्स पे इनकर्ड होता है ये. दीज कॉस्ट्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट और अवॉइडेबल कॉस्ट. इनका बेटा ये भी नाम होता है, ठीक है. दीज कॉस्ट आर जीरो व्हेन आउटपुट इज जीरो. जब आउटपुट इज जीरो हो जाएगा बेटा तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो हो जाएगी. जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, पेमेंट टू द लेबर, ठीक है. अगर प्रोडक्शन हो रहा है बेटा, ठीक है, प्रोडक्शन को इंक्रीज किया तो हो सकता है हमें एट दैट मोमेंट मैक्सिमम लेबर की रिक्वायरमेंट होती, तो हम और ज्यादा लेबर को हायर करेंगे. तो जितना ज्यादा लेबर को हायर करेंगे वेजेस भी हमें उतना ज्यादा पे करना पड़ेगा. सो वेजेस विल इंक्रीज. अगर प्रोडक्शन को डिक्रीज कर रहे हैं तो लेबर को रिड्यूस करेंगे, ऑलराइट, और साथ में उनकी वेजेस को भी डिक्रीज कर दिया जाएगा. और प्रोडक्शन को अगर हमने जीरो कर दिया, प्रोडक्शन बंद कर दिया है, तो लेबर को पेमेंट क्यों करेंगे? सो दैट विल बी जीरो एज वेल. दिस यू कैन सी हियर, इफ द आउटपुट इज जीरो टीवीसी ऑल्सो रिमेन्स जीरो, एंड यू कैन सी एज द आउटपुट इज इंक्रीजिंग सो टीवीसी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. दैट इज वाई द शेप ऑफ द टीवीसी इज ऑलवेज इनवर्स एस शेप. बेटा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में दैट वॉट इज द शेप ऑफ टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व का शेप कैसा होता है. सो यू शुड आंसर दैट द शेप ऑफ टीवीसी इज इनवर्स एस शेप. इनवर्स एस मतलब एस, दिस इज द रिवर्स एंड दिस इज द इनवर्स. सो दिस इज लाइक द इनवर्स एस शेप. दिस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होता है. रीजन क्या है बेटा? क्योंकि जीरो आउटपुट पे टीवीसी भी जीरो हो जाता है, जबकि जीरो आउटपुट पे टीएफसी जीरो नहीं होता. दैट इज बाय वो हमेशा अबव द ओरिजिन कहीं वैल्यू से स्टार्ट हो जाता है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट, इट शोज दैट फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन द सेम रिगार्डलेस ऑफ सेल्स. क्या बताया बेटा कि जितना भी प्रोडक्शन होगा फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड ही रहता है, इट इज ऑलवेज बैलेंस्ड. लेकिन अगर वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट चेंज बेस्ड ऑन योर सेल एक्टिविटी, डिपेंड करता है प्रोडक्शन. अगर प्रोडक्शन इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी उसके अकॉर्डिंग वेरी होती है. क्लियर बेटा? नेक्स्ट आते हैं बेटा टोटल कॉस्ट. और क्या है टोटल कॉस्ट का मतलब? It is the total expenditure incurred on the factors and non-factor inputs in the production of goods and services. That means we can say in very simple language ki production ke liye hame do tarah ke factors chahiye, fixed and variable factors. Fixed factors pe humne expenditure kiya, so that was a type of fixed cost. Agar humne variable factors pe expenditure kiya, so that was variable cost. Aur jab hum dono cost ko add kar denge, sum up kar denge, so that time we will get total cost. So that means we can say that total cost is equals to TVC plus TFC. Dono cost ko plus karenge to kya aa jati hai hamare paas? Total cost aa jati hai. Here you can see this with the help of total cost schedule and graphical presentation. Output is zero. Now children see, pay attention here. Hum yahan kis cheez ke mein baat kar rahe hain? Output hai, TFC hai, TVC है और साथ में TC भी है. अब देखिए यहाँ पे इनके कैसे इंपैक्ट शो होते हैं. द वन थिंग आई हैव टोल्ड यू दैट TC इज इक्वल्स टू TFC प्लस TVC. ऑलराइट, सो एट द जीरो लेवल TFC इज 20 बट TVC इज जीरो बट TC इज 20. एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? बिकॉज TC इंक्लूड्स TFC एंड TVC एज वेल, दोनों को इंक्लूड करता है, ठीक है. इसलिए यहां से इक्वेशन क्या बनता है हमारे पास कि जीरो लेवल पे टीसी की वैल्यू क्या होगी? सो द वैल्यू विल बी एज सेम एज टीएफसी. जो भी वैल्यू टीएफसी की होगी वही वैल्यू टीसी की होगी एट द लेवल ऑफ जीरो आउटपुट. सो एज द आउटपुट इंक्रीजेस टीएफसी इज कॉन्स्टेंट, टीवीसी इंक्रीजेस, एंड वी विल डू द समेशन ऑफ दीज टू वैल्यूज एंड वी विल गेट दिस टीसी. दैट इज ओनली रीजन दैट टीसी नेवर स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन.
TCP बेटा ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा. रीजन क्या है, क्योंकि TC के अंदर भी TFC इन्वॉल्व होता है और जीरो लेवल पे TFC इज इक्वल्स टू TC होता है. क्लियर बेटा, दैट इज वाई. और जिसका शेप है दैट विल बी इनवर्स शेप एज वेल. इनवर्स है वो क्यों, क्योंकि इसके अंदर TVC भी इंक्लूड है और TFC तो कॉन्स्टेंट है, उसका तो कोई शेप ही नहीं अपने आप में. नेक्स्ट वी हैव दिस रिलेशनशिप बिटवीन TC, TFC एंड TVC. इन तीनों के बीच में एक बेटा कॉमन रिलेशनशिप है, वो क्या है, दैट TFC इज हॉरिजॉन्टल टू द X एक्सिस, जो कि मैंने आपको बताया दिस इज ऑलवेज पैरेलल टू OX एक्सिस. TC एंड TVC आर S शेप्ड. जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि ये दोनों S शेप होते हैं, इनवर्स S शेप होते हैं. एंड दिस यू कैन रेफर ऑन द पेज नंबर 45 इन योर बुक ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. यू कैन सी ऑन द पेज नंबर 45 आपको यहाँ पे इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी गिवन है और साथ में इसका पूरा एक्सप्लेनेशन बता रखा है कि किस तरह से इनका रिलेशनशिप होता है. एंड दैट ओनली आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हियर. इनिशियली एट अ डिक्रीजिंग रेट, देन एट अ कॉन्स्टेंट रेट, एंड फाइनली एट द इंक्रीजिंग रेट ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस. बेटा जैसे हमने प्रोडक्शन में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस को डिस्कस किया था, सेम वही तीनों लॉज हमारे यहाँ पे भी कवर होते हैं. ठीक है, एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट TC इज इक्वल्स टू TFC, वो मैंने आपको बता दिया क्योंकि TFC इंक्लूड है TC के अंदर, तो जीरो लेवल पे जो TFC होगा वही TC होता है. TC एंड TVC कर्व्स पैरेलल टू ईच अदर. TC एंड TVC कर्व्स आर पैरेलल टू ईच अदर, दैट यू कैन सी हियर. बेटा आप इस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं दैट दीज बोथ द कर्व्स आर पैरेलल टू ईच अदर. आप देख रहे हैं बेटा दिस इज ऑल्सो इनवर्स S शेप, इवन दिस इज इनवर्स S शेप. TC हायर होता है देन TVC. रीजन क्या है, क्योंकि TC और TVC के बीच का गैप क्या होगा, TFC. लॉजिकली दैट यू कैन सी हियर दैट TC इज इक्वल्स टू TFC प्लस TVC. ये बात क्लियर है बेटा. देन TFC कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, TC माइनस TVC करेंगे, और अगर TVC कैलकुलेट करना है सो TC माइनस TFC होता है. ये दोनों पैरेलल क्यों है बेटा, TC एंड TVC, क्योंकि इनके बीच का गैप क्या है, इनके बीच का गैप क्या है, दिस TFC एंड TFC इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट. ये तो सेम रेट पे है, दैट इज वाई दे बोथ आर पैरेलल. ओके, नेक्स्ट वी हैव दिस एवरेज कॉस्ट. दीज आर द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस. चिल्ड्रेन व्हाट हैपेंस, जब किसी भी फॉर्म में किसी भी इंडस्ट्री में गुड्स का प्रोडक्शन होता है तो सिंगल यूनिट को प्रोड्यूस नहीं किया जाता, एक साथ बल्क में यूनिट्स को प्रोड्यूस करते हैं. ऑल राइट, और डेफिनेटली इस पर जो आने वाली कॉस्ट है वो भी इंडिविजुअल नहीं, जबकि इसकी जगह इकट्ठी कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट आती है. लेकिन अगर हमें जब ये मेजर करना होता है कि हमने कितने यूनिट्स को प्रोड्यूस किया है और कितनी कॉस्ट इनकर्ड हुई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी एवरेज कॉस्ट निकालनी पड़ेगी. एवरेज इन द सेंस पर यूनिट कॉस्ट, और वो पर यूनिट कॉस्ट क्या होती है बेटा, एवरेज कॉस्ट. ओके, नेक्स्ट वी हैव दिस एवरेज कॉस्ट. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है बेटा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज अ पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन. मतलब जो प्रोडक्शन में टोटल कॉस्ट इनकर्ड हो रही है उस कॉस्ट का एक पार्ट होता है फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है, अब अगर हमें ये जज करना है कि जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस हुई हैं उन यूनिट्स पे फिक्स्ड कॉस्ट, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, तो उसको कैलकुलेट करना ही होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. एंड दिस वी हैव दिस AFC इज इक्वल्स टू TFC डिवाइडेड बाय Q और आउटपुट. जो भी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है उसमें डिवाइड करेंगे Q, दैट इज अ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, जितना कि हमने आउटपुट प्रोड्यूस किया है. नेक्स्ट वी हैव एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और ये क्या है बेटा, डेफिनेटली जो वेरिएबल कॉस्ट है उसका एवरेज, और वी कैन से पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट. फॉर्मूला इज AVC इज इक्वल्स टू TVC डिवाइडेड बाय आउटपुट. यहाँ क्या करना होगा, जो भी हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उस टोटल वेरिएबल कॉस्ट के अंदर डिवीजन करेंगे हम आउटपुट का, और उससे हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. दिस यू कैन सी बेटा इन द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एज वेल. आप देख रहे हैं बेटा यहाँ ग्राफ में आपको मैं तीनों ग्राफ एक साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. द वन इज ऑफ एवरेज टोटल कॉस्ट, सेकेंड इज एवरेज वेरिएबल, फर्स्ट इज एवरेज टोटल कॉस्ट, सेकेंड इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एंड द थर्ड इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. और बेटा जब हम बात करते हैं एवरेज के बारे में तो इनका जो शेप है ये यू शेप हो जाता है. यू शेप इज ऑफ ATC एंड AVC. लेकिन अगर हम बात करें AFC के बारे में तो बेटा इसका जो ग्राफिकल शेप है वो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ऑल राइट, रिमेंबर द नेम ऑफ द शेप ऑफ AFC, दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. वन मार्क क्वेश्चन बनता है बेटा यहाँ से हमारा कि AFC का शेप क्या है,
So you will have to answer this is rectangular hyperbola. Even you can see on the page number 45 of the NCERT book, आपको वहाँ दिख रहा है कि AFC का curve बना हुआ है, ठीक है. एक तो ऊपर हमें relationship दिया है TC, TVC and TFC का, उसके बाद नीचे आप देख रहे हैं कि AFC का graph बना हुआ है और वो graph यही है which is rectangular hyperbola. Next is we have important observation of AC, AVC and AFC. इन तीनों का एक important observation है, वो क्या है? The first point is AC curve always lie between lie above AVC because AC includes AVC and AFC at all levels of the output. दोबारा देखिए बेटा क्या कहा है कि ATC जो है ये AVC से ऊपर होता है. वो क्यों? क्योंकि this ATC includes AVC and AFC. Point number two, AVC reaches its minimum point at an output level lower than that of AC because when AVC is at its minimum, AC is still falling because of its fallen AFC. देखिए बेटा फिर से ग्राफ में देखिएगा, यहाँ पे AVC की बात की हुई है. आप देख पा रहे हैं कि स्टार्टिंग में ब्रॉड है, यहाँ पे ब्रॉड होने का रीजन क्या है? क्योंकि एट द बिगनिंग AFC भी हायर लेवल पे है, लेकिन जैसे जैसे AFC डिक्रीज होता जा रहा है, हाइपरबोला रिड्यूस हो रहा है, वैसे वैसे ATC और AVC के बीच का गैप भी रिड्यूस होता जा रहा है. यहां देख रहे हैं ब्रॉड है और यहां पे आके ये नैरो हो जाता है. एंड द थर्ड पॉइंट इज एज आउटपुट इंक्रीजेज द गैप बिटवीन AC एंड AVC कर्व डिक्रीजेज बट दे नेवर इंटरसेक्ट. देखिए बेटा क्या कहा है कि ये गैप रिड्यूस तो होता चला जाएगा बट दे विल नेवर इंटरसेक्ट, ये टच नहीं करेंगे एक दूसरे को. रीजन क्या है? क्योंकि AFC कभी जीरो हो ही नहीं सकता. बेसिकली इन दोनों के बीच का गैप क्या है? दिस AFC, और AFC जब जीरो होगा ही नहीं तो ये दोनों कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं. दिस नेक्स्ट वी हैव मार्जिनल कॉस्ट and the term marginal stands for the additional cost, okay, incurred on the production of additional unit of the output. It refers to the addition made to the total cost when an additional unit of output is produced. देखिए बेटा क्या होता है, जब production चल रहा है, suppose अगर 100 units को produce कर लिया है, जो भी cost है वो जगह total cost, लेकिन अगर हमने 101 unit को produce किया तो वो वन एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने से टोटल कॉस्ट पे कितना इफेक्ट आया? सपोज अलिए टोटल कॉस्ट वॉज 1000 रुपीज, बट नाउ इट इज 1100, तो अब डिफरेंस कितना आ रहा है? 100 रुपीज का. सो दैट 100 रुपीज इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट. और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? MC विच इज मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू ΔTC अपॉन ΔQ. ΔTC इज द डिफरेंस बिटवीन TC एंड the difference or change in the Q, that is quantity. This you can see the graph is here and the shape of MC is always U-shape. ये बेटा हमें हमेशा याद रखना है कि MC जो है that is marginal cost, इसका shape हमेशा U-shape होता है. Alright, वो क्यों? क्योंकि starting में पहले reduce होता है, constant होता है और उसके बाद increase होता है. This is basically लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस. यहाँ पे भी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस इंप्लीमेंट होता है, इस वजह से इसका शेप हमेशा यू शेप होगा. फर्दर वी हैव द रिलेशनशिप बिटवीन AC एंड MC. एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में कुछ रिलेशनशिप है. बोथ AC एंड MC आर डिराइव फ्रॉम TC. पहली बात तो AC और MC दोनों ने कहाँ से डिराइव किया है? TC से. AC कैसे कैलकुलेट होता है? TC डिवाइडेड बाई Q एंड MC ΔTC अपॉन ΔQ. बोथ AC एंड MC आर यू शेप्ड, दोनों का शेप यू शेप होता है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो जस्ट मैंने भी आपको बताया है. व्हेन AC इज फॉलिंग MC ऑल्सो फॉल्स एंड लाइज बिलो AC कर्व. दोनों एक साथ रिड्यूस होते बेटा. जब AC डिक्रीज होगा उसी वक्त MC भी रिड्यूस होगा एंड लाइज बिलो द AC. लेकिन डिफरेंस क्या है? AC कर्व ऊपर होगा, MC कर्व उसके नीचे होता है. When AC is rising, MC also rises and lies above the AC. और क्या कहा? When AC is rising, MC also increases. जब AC increase होता है तो उसी टाइम पे marginal cost भी increase होता है. MC cuts AC at its minimum level where MC is equals to AC. दोनों का intersection होगा बेटा एक बार. एक बार तो ऐसा point आएगा ही सही जब MC curve AC को intersect करेगा. और वो intersection कब होगा? जब MC is equals to AC हो जाता है.
हेयर यू कैन सी इन द ग्राफ ऑल्सो इज वेल, वही सारे पॉइंट्स बताएं बेटा. पहली बात, दिस इज ए सी एंड दिस वन इज एम सी. ओके, पहली बात दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, दोनों ही यू शेप होते हैं, दैट यू कैन सी दोनों यू शेप हैं, डिक्रीज हो रहे हैं एक साथ. जब डिक्रीज हो रहे हैं उस वक्त ए सी ऊपर और एम सी नीचे हैं, लेकिन जब दोनों ही इंक्रीज होते हैं उस वक्त एम सी ऊपर और ए सी नीचे हो जाता है. इंटरसेक्शन यहाँ पे है ऑन द पॉइंट ए, दैट मीन्स कि दोनों यहाँ पे इक्वल है. सो स्टूडेंट्स, ये तो अभी हमने डिस्कस किया रिलेशनशिप बिटवीन ए सी एंड एम सी, जो कि हमारा सारा था बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट. लेकिन एग्जाम में इसमें से आपको कोई ना कोई न्यूमेरिकल ज़रूर आता है बेटा, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो प्रोडक्शन वाला पार्ट था उसमें भी बताया था कि कॉस्ट में हमारा न्यूमेरिकल ज़रूर आता है. तो चलिए बेटा, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स को हम देखते हैं व्हाइट बोर्ड पे. सो चिल्ड्रन, दिस यू कैन सी द न्यूमेरिकल इज हियर दैट फाइंड आउट इफ वी हैव द वैल्यूज टी एफ सी इज इक्वल टू 100, टी वी सी इज 250, वी विल हैव टू कैलकुलेट टी सी इन केस द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स इज 50 यूनिट्स. तो बेटा देखिए, हमें टी सी कैलकुलेट करना है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था दैट टी सी इज इक्वल्स टू टी एफ सी प्लस टी वी सी. यही फॉर्मूला बेटा इसका. क्वांटिटी से हमें यहाँ कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि टी सी कैलकुलेट करना है, एंड फॉर दैट सेक वी हैव द डायरेक्ट फॉर्मूला. सो द वैल्यू ऑफ टी एफ सी इज इक्वल्स टू 100 एंड द वैल्यू ऑफ टी वी सी इज इक्वल्स टू 250 इज इक्वल्स टू 350. Is it the answer of TC? Don't you feel it is so simple? Now suppose you have the value of TC. आपको TC की value already given है, okay? और कहा कि calculate TVC. तो क्या करना होगा बेटा? TVC is equals to TC minus TFC. ठीक है, ये जस्ट इसके साथ ही मैंने कंडीशन को ऐड कर दिया है कि अगर ऐसा होता है कि टी सी की वैल्यू दे दी है और टी वी सी कैलकुलेट करना है, तो इन दैट सिचुएशन द फॉर्मूला इज टी वी सी इज इक्वल्स टू टी सी अपॉन टी एफ सी. यही होगा बेटा. सो टी सी स्टैंड्स फॉर 350 माइनस टी एफ सी इज 100, सो द वैल्यू इज 250. और अगर कुछ ऐसी कंडीशन हमें मिलती है दैट इट इज 250, टी सी इज देयर, कैलकुलेट टी एफ सी. सो टी एफ सी इज इक्वल्स टू टी सी माइनस टी वी सी. ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी सी? 350 माइनस टी वी सी इज 250 एंड द डिफरेंस विल बी 100 विच इज TFC. तो चिल्ड्रन, ये था हमारे न्यूमेरिकल पार्ट जिसमें हमने अल्टरनेट मेथड से कुछ और अलग तरीके से TC, TVC और TFC को कैलकुलेट करना सीखा है बेटा. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वी हैव कंप्लीटेड द यूनिट प्रोडक्शन एंड कॉस्ट. दिस वाज द सेकंड पार्ट ऑफ द सेम यूनिट, और इसमें हमने सारे थ्योरेटिकल पार्ट, ग्राफिकल पार्ट एंड न्यूमेरिकल पार्ट्स को कवर किया है. So see you soon in the next video. Till that time, take care. Bye-bye, everyone.